परसों बनारस आए, कल हमने रेस्ट किया, हम बहुत थके हुए थे, पूरा 23 घंटे का सफर किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तो मम्मी ने मेरे को 6 बजे उठा दिया जल्दी, और यहाँ पे को सब पानी वानी कर दिया, पता नहीं क्या करते रहती है सुबह सुबह ही। यहाँ पे को पूरा फर्श पानी वानी गीला गीला कर दिया, पूरा फर्श एकदम पानी पानी कर दिया यहाँ पे को, बहुत ही गंदा हो रहा है। और इसको भी आगे कर दिया है, और ये पाइप यहाँ पे फंस गया अभी। ले भाई बाहर से डाली पानी, और पिंकी वहाँ पे खड़ा है देखो। तो गाइस देखिए मेरा ब्रश कैसा है, ये मेरा ब्रश घर में का है, कैसी हालत हो रखी है इसकी। तो अभी मम्मी नया ब्रश लेके आ रही है, मतलब अभी कल तो मैंने इससे दांत मला था, और अभी मम्मी नया ब्रश लेने गई है, तो उससे मलूंगा फिर दांत। इसका हालत जो है एकदम बेकार हो गई, पछता हो चुकी है, पुराना रखा हुआ था, और अभी का जो मतलब जो मैं छोड़ के गया था यहाँ, उसका तो कोई अता पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ फेंक रखा हुआ वो ब्रश। ये मेरा बहुत पुराना ब्रश है जो मेरे को अभी मिल रखा है, कल मैंने इससे दांत मला था, और अभी मम्मी नया ब्रश लेने गई है। फिलहाल अभी मेरा नया ब्रश आ चुका है, दांत मिलूंगा मैं, क्योंकि उसकी हालत तो एकदम खस्ता हो चुकी है। देखिए अब यहाँ पे का हालत एकदम बढ़िया बना दिया, फर्श पानी हानी सब सेड़ दिया मैंने। मम्मी तो सुबह सुबह आके यहाँ पे पानी हानी कर देती है, कूड़े में फेंक दिया ये वाला ब्रश, तो कूड़े में फेंक दिया, बेकार ब्रश है। और यहाँ पे को हमारे कपड़े धुलने भी। तो आज का प्लान तो ऐसा है कि हल्द्वानी जाने वाले हैं अभी हम, सौरभ हो गया, मैं हो गया, जोड़ी टी शर्ट भी खरीदनी है मेरे को, जोड़ी तो मैंने दुकान से ले ली है अपनी दुकान से, पहले नहाता हूँ उसके बाद मिलूंगा आपसे मैं। तो अभी तो मैं तैयार हो चुका हूँ, और पूरे पूजा उजा भी कर दी मैंने अभी, और पापा अभी तक आए नहीं है, मतलब पापा कल शाम चले गए थे तो अभी तक आए नहीं है, तो अभी आएंगे जब, उसके बाद फिर हमें हल्द्वानी जाना है। तो खैर दुकान में बैठता हूँ, क्योंकि कोई है नहीं तो दुकान में बैठना पड़ेगा, तो मैं दुकान में आता हूँ। तो गाइस आज तो मेरा कैमरे का क्वालिटी बहुत बढ़िया हो चुकी है, देखो एकदम बिल्कुल एकदम साफ सुथरा आ रखा है कैमरा भी, और अभी हल्द्वानी जाने मम्मी, देखो मम्मी भी देख ली मेरी कितना बढ़िया क्वालिटी आ रही करके। ये तो यहाँ पे अपना मस्त रूप सेक रहा है, धूप में बैठ रखा है, पिंकी सो रखा है, सो सोने देते हैं अभी। हेलो गाइस, तो आज देख रहे हैं आप, ये भाई और मैं हल्द्वानी जा रहे हैं घूमने, परसों बनारस आए, कल हमने रेस्ट किया, मगर बहुत थके हुए थे हम, पूरा 23 घंटे का सफर किया हमने। तो आज देख रहे हो आप ये स्कूटी में इसकी हल्द्वानी जा रहे हैं, और ये देख लो गौरा वाली रोड है, बिल्कुल बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं यहाँ, राइट काट रहे ओम फो, ये जा रहे हैं हल्द्वानी आज, देखो डंपर चल रहे हैं यहाँ बहुत, तो बहुत डंपर चलते हैं। कुत्ते ने रास्ता काट लिया, तो हमारा रास्ता शुभ हो गया। तो इतने सारे ट्रैफिक लगा हुआ है, और यहाँ पे को गेट भी लग गया, मतलब जो होता है फाटक होता है रेल का, वो लग गया है यहाँ पे को, और कितनी सारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे को, डंपर ही डंपर आगे से लेकर पीछे तक का। हमारे मोहनदा यहाँ पे मिल चुके, तो मैं घर आ चुका हूँ, और वहाँ इतनी धूल उड़ी थी ना, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई वहाँ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेना था, वीडियो भी नहीं बनाई। और रोड में तो आते समय ऐसी हालत खराब हुई ना, इतनी धूल हो गई, पूरा शरीर एकदम धूली धूल हो गया। तो अभी तो मम्मी दुकान में, तो अभी दुकान में चलते हैं, वहाँ से पहले खाता हूँ आपको दुकान में जाके। मम्मी का तो यहाँ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, देखिए मम्मी यहाँ पे को कैसे हालत कर रही है, आईब्रो वाइब्रो बनाने में लगी पड़ी है। और आज हमारे यहाँ मिठाई का डब्बा आया है यहाँ के, यहाँ से देखो एक लड्डू आया है और एक में बर्फी है, इतने सारे केले भी रखे हुए हैं यहाँ पे को, और हमारी दुकान में सामान देखिए पूरा भर दिया है सामान। ये वाली टी शर्ट जो है मैं हल्द्वानी से लेके आया हूँ, टी शर्ट नहीं शर्ट जो भी है, सॉकर सॉकर कहते हैं इसको, टी शर्ट टाइप की है, बीट द ओवर थिंकिंग थिंग्स वैन। यहाँ पे तो मम्मी करके क्वेश्चन पढ़ा रही है, और गुप्त बात चल रही है मम्मी की यहाँ पे को, दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे को क्या गुप्त बात चल रही है यहाँ पे को, अभी पहले मान दे 21 21